आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। ANTPF ने किच्छा बाईपास से बरामद की 10 लाख की चरस, दो अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड सरकार ने 2025 तक राज्य को ड्रग्स और अपराध मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चल रहा है। उधम सिंह नगर में ANTPF ने करीब 2 किलो चरस के साथ दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद चरस की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। देहरादून पुलिस ने किया टाटा और नेक्सा शोरूम चोरी का खुलासा, MP से कैश के साथ चोरों को किया गिरफ्तार। देहरादून पुलिस ने टाटा ओबेरॉय मोटर शोरूम और नेक्सा शोरूम में हुई चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने MP से दो चोरों को चोरी के कैश के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस चोरों के दो अन्य साथियों की तलाश कर रही है। पौड़ी और अल्मोड़ा में पुलिस के हत्थे चढ़े गांजा तस्कर, बड़ी मात्रा में माल हुआ बरामद। पौड़ी में पुलिस ने 30 किलो 400 ग्राम अवैध गांजे के साथ दो तस्करों को सतपुली के नायार पुल से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी पुलिस को देखकर भागने की फिराक में थे। CM धामी ने आवंटित किए नजूल नीति के 2600 पट्टे, लाभार्थियों को सौंपे CM आवास के आवंटन पत्र। रुद्रपुर में CM पुष्कर सिंह धामी ने 2600 परिवार लाभार्थियों को नजूल नीति के पट्टे और 403 लाभार्थियों को PM आवास आवंटन पत्र सौंपे। अंकिता के परिजनों की हिम्मत तोड़ने, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश, आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी पर बोले गणेश कोदियाल। अंकिता हत्याकांड को मुखरता से उठाने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी को बीते रोज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आशुतोष नेगी को उनके एक पुराने मामले में SC/ST एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बड़ा बयान सामने आया है। गणेश गोदियाल ने कहा, सरकार ने अंकिता भंडारी के परिजनों की हिम्मत तोड़ने, आंदोलन को कमजोर करने के लिए आशुतोष नेगी को जेल भेजने का कार्य किया है। विधायक महेश जिन्ना के नगर निगम में बवाल मामले में ने पकड़ा तूल, कर्मचारियों का हड़ताल पर जाने का ऐलान। खेल मंत्री रेखा आर्या ने हल्द्वानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया निरीक्षण, इस बात पर हुई आग बबूला। खेल मंत्री रेखा आर्या आज हल्द्वानी पहुंची। उन्होंने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा टेबल टेनिस कोर्ट के जर्जर हालत देखकर मंत्री रेखा आर्या ने नाराजगी भी व्यक्त की। उत्तरकाशी सिलकियारा टनल की रफ्तार रोक रही चट्टानें, निर्माण कार्य हुआ धीमा, जानिए वजह। उत्तरकाशी सिलकियारा टनल निर्माण कार्य में परेशानी आ रही है। यहां चट्टानें सुरंग निर्माण कार्य की रफ्तार को रोक रही हैं। हरिद्वार में खुली आपकी पाठशाला, बैरागी कैंप के गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा ट्यूशन। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी ने बैरागी कैंप में रहने वाले गरीब बच्चों के लिए आपकी पाठशाला के नाम से कोचिंग सेंटर शुरू किया है। कोचिंग सेंटर के जरिए बैरागी कैंप में रहने वाले गरीब बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन दिया जाएगा। पिथौरागढ़ मजदूर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, साथी ही निकला हत्यारोपी, शराब के नशे में किया था मर्डर। देहरादून पुलिस ने दिल्ली के तिहाड़ गांव से दबोचा इनामी ठग, AIIMS में नौकरी के नाम पर लगाया था चूना। रुड़की में अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कालसी में 15 दिन से जारी है धरना। 7 मार्च को देहरादून में होगा सशक्त नारी समृद्ध नारी उत्सव, CM धामी करेंगे प्रतिभाग। 7 मार्च को देहरादून में सशक्त नारी समृद्ध नारी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। सशक्त नारी समृद्ध नारी उत्सव में CM धामी भी शिरकत करेंगे। सशक्त नारी समृद्ध नारी में कालसी ब्लॉक की 1200 समूह से जुड़ी महिलाएं प्रतिभाग करेंगी। पौड़ी खासी पंपिंग योजना का निर्माण 31 मार्च तक होगा पूरा, 5 गांवों की 5000 की आबादी को होगा फायदा। लोक
सेवा आयोग ने निकाली 14 पदों पर भर्ती, जल्द करें आवेदन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नौकरी के लिए भर्ती निकाली है। इसके लिए युवाओं को आवेदन ऑनलाइन करना होगा। UKPSC द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 14 अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली गई है। वहीं आवेदन के लिए अंतिम तिथि 26 मार्च रखी गई है। बागेश्वर में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी का झांसा देकर 6 लाख ठगे, कोचिंग संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गठबंधन के बीच हरिद्वार लॉस सीट पर सपा की निगाहें, ऐसा है वोटों का गणित। प्रदेश सरकार ने पदक विजेताओं को नौकरी देने की घोषणा की, खेल विभाग में आएंगे 3 खिलाड़ी। अयोध्या सहित 4 शहरों के लिए शुरू हुई फ्लाइट, सीएम धामी ने किया शुभारंभ, शेड्यूल और किराया तय। रुद्रपुर पहुंचे सीएम धामी का जोरदार स्वागत, योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। उत्तराखंड में बसपा इसी हफ्ते घोषित करेगी 5 लॉस सीटों पर प्रत्याशी।